So hello everyone, in today's video we're going to talk about online MCA degree. तो यार आज की वीडियो कोई भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में काफ़ी सारे लोग जिनके डाउट्स थे कि ऑनलाइन MCA क्या हमारे लिए यूज़फुल होगी या फिर हमें रेगुलर से ही MCA करनी चाहिए, तो काफ़ी सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं और काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या ऑनलाइन MCA एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए या फिर एक रेगुलर के लिए ही हम कोशिश करते रहें। तो ये काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है, तो आज की इस पूरी वीडियो में हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन डिग्री बात करने वाले जो कि है MCA। तो यार ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रोस की बात करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन आए, क्योंकि एक वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई थी, आप देख सकते हो, डार्क साइड ऑफ MCA। वो मैंने यार एक ऑनेस्ट ओपिनियन रखा था जो कि मेरा खुद का ओपिनियन था, मैंने उसमें किसी और का ओपिनियन नहीं डाला। तो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ बैकलैश आया था कि यार हमें यहाँ पर डीमोटिवेशन कर दिया आपने। हर डिग्री का यार कुछ ना कुछ ड्रॉबैक ज़रूर होता है, तो वो मैंने MCA के ड्रॉबैक बताए, तो उसको फेस करने की ऑब्वियसली क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो आज जानेंगे, सबसे पहले प्रोज बताऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पर कॉन्फिडेंस आए कि क्या है प्रोज ऑनलाइन डिग्री के। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, लेस फीस। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि यार हम क्या 1.5 लाख रुपए साल के भर भी पाएंगे, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज से MCA करने के लिए लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा एक ऑनलाइन डिग्री में होता है कि वहां पर कम फीस होती है एज कंपेयर टू रेगुलर MCA, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो यार दूसरी चीज़ जो आपके पास होने वाली है वो है मोर टाइम फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द सेम डिग्री। मतलब आपको सेम डिग्री मिलेगी, आपके कोई भी कॉलेज का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये लिखा होगा SOL, सेम डिग्री मिलने वाली है। इसके अलावा आप अपने आप को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्लासेस ही आपकी ऑफलाइन होती है या फिर वो भी नहीं होती, हर आपकी ऑनलाइन डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पर आप अपने आप के लिए बहुत टाइम निकाल सकते हो। यार बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा परस्यू कर सकते हो, तो अपने लिए टाइम बहुत होगा। इसके अलावा यार काफ़ी सारे लोगों के घर में पैसों की नीड होती है, तो वो चाहते हैं कि वो जल्दी काम करना शुरू कर दें, ऑनलाइन डिग्री साथ में परस्यू करें, तो उनका बहुत बड़ा मेन रीज़न ये होता है। तो आप इसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और इंटर्नशिप भी कर सकते हो इसके साथ में, तो ये एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। चौथी चीज़ जो हम बात करेंगे कि आप लर्न एंड गिव टाइम टू द इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स एंड कोर्सेज, और इसके अलावा जॉब गारंटी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर क्या लोग करते हैं कि जॉब गारंटी प्रोग्राम साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर सिर्फ जो इंडस्ट्री में चीज़ें पूछी जाती है लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और जो भी प्रोग्रामिंग स्किल्स वो करना चाहते हैं, लाइक सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देंगे, बाकी हर सब्जेक्ट्स में वो पास होकर एक ऑनलाइन MCA डिग्री ले लेंगे कि हाँ हमारे पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो काफ़ी सारे लोगों का पॉइंट ऑफ ओपिनियन ये होता है, तो आपको ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पाँचवीं चीज़, सेल्फ ग्रोथ। बहुत सारे लोगों को सिर्फ खुद से पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता अगर वो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, उनको सेल्फ ग्रोथ करनी होती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के सीखने होते हैं, तो ये डिग्री उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम ही टाइम मिलने वाला है और आप एक तरीके से सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना के लिंक्डइन पे शोकेस कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। फिर हम आते हैं सिक्स चीज़, फ्रीलांसिंग एंड ट्राइंग इनटू डिफरेंट फील्ड्स। अगर एक कॉलेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बताऊं कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते विद कॉलेज, मोस्ट ऑफ द जनता की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पर अगर आप एक रेगुलर डिग्री लेते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन डिग्री लेते हो तो आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वीडियोस देख सकते हो, सीख सकते हो उसके बारे में। मुझे अपने कॉलेज टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता था। आप यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं पता लग पाता, तो वो पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, फिर वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, फिर डेवलपमेंट सीखेंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, लाइक एक महीना 1.5 महीना सीख ली फिर आगे बढ़ गए। तो उसमें आप मार्केटिंग ट्राई कर सकते हो, डिज़ाइन ट्राई कर सकते हो, एनालिस्ट ट्राई कर सकते हो, डेटा साइंस ट्राई कर सकते हो, डेवऑप्स ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ें आप MCA में नहीं सीखोगे, कोई भी रेगुलर कॉलेज में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, उधर वही जो पुराने सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं वही चल रहे हैं। आपको जो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स है वो आपको खुद से ही सीखनी पड़ेगी, कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों से। फिर हम आते हैं अपने लास्ट प्रो के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से वो है बेटर सीनियर्स अगर आपके होंगे। अगर मान लो आप कोई ऑनलाइन डिग्री में हो, आपको कोई और ऑनलाइन डिग्री वाला मिलता है, अगर उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं तो आपको एक तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब हमारा पहला सेगमेंट खत्म हो जाता है जो कि है प्रोस का, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो यार ये नेगेटिव पॉइंट्स मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आप कहीं से भी ऑनलाइन डिग्री करते हो, आप किसी से नहीं मिलते, तो
उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती नहीं है या फिर बहुत ही कम होती है। अगर कोई भी ऑनलाइन डिग्री आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट दे रही है तो बहुत ही मिनिमम पैकेज के साथ देगी, वरना सारी ऑनलाइन डिग्री क्यों नहीं करने लगेंगे। और ज़्यादातर ऑनलाइन डिग्रीज में कोई भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलती। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मैं एफर्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ से प्लेसमेंट उठाना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। तो यार ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रही, तो ये एक होगा। दूसरी चीज़ वो है एक वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा प्रो पॉइंट है जहाँ आपको एक जॉब दिलवा सकता है। मतलब अगर आप एक बढ़िया डेवलपर भी हो लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो, आप उसे नहीं समझा पा रहे कि आपने क्या करा है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी की भी प्रोग्रामिंग स्किल्स ठीक ठाक है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो उस जॉब में आपसे ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है इस इंडस्ट्री के लिए, तो आपको ये चीज़ एक ऑनलाइन डिग्री में बहुत ही कम मिलेगी। आप बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे अगर आप घर पे बैठे बैठे ही डिग्री कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खुद ही सीखी जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है। तीसरी चीज़, ज़्यादातर ऑनलाइन डिग्रीज में आपको सीनियर्स नहीं मिलते, आपको किसी और से बात नहीं कर पाते, और जो एक सीनियर का कनेक्शन होता है लाइक ऑन कैंपस में क्या होता है कि सीनियर्स का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। अगर वो किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं तो वो आपको रेफ़र कर सकते हैं, वो उस कंपनी को ऑन कैंपस के लिए बुला सकते हैं। लेकिन एक ऑनलाइन डिग्री में सीनियर कनेक्शन ही बिल्डअप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ प्लेसमेंट नहीं हो पाती, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर एक चीज़ है, हैकाथॉन्स एंड कंपटीशन बहुत कम पता लग पाते हैं आपको एक ऑनलाइन डिग्री में। ऑनलाइन डिग्री में आपको हैकाथॉन्स वगैरह पता ही नहीं लग पाएंगे एक्चुअली में। पता करने के लिए आपको खुद ही एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको कनेक्शंस बिल्डअप करने पड़ेंगे, लिंक्डइन पे आपको ऐसे मीटअप पेजेस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अच्छी हैकाथॉन्स एंड अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर पाओ। एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि ऑन कैंपस में इतना नहीं होता। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि लेस ओपनिंग ऑफ माइंड एंड नो कॉम्पिटिशन इन डेवलपमेंट। अगर मेरा एक पीयर ग्रुप होता है डेवलपमेंट में, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर्स का ग्रुप है, तो अगर किसी चीज़ को, अगर किसी टॉपिक को मेरे को कम समझ आ रहा है, तो वो बंदा मेरे जो पीयर ग्रुप में वो मेरे को अच्छे से समझा सकता है, वो एक अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नई कंसेप्ट समझा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरी जो डेवलपमेंट की स्किल्स है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता तो मेजर बच्चों की डेवलपमेंट स्किल्स उतनी नहीं बढ़ पाती। ये मेरा ओपिनियन है, काफ़ी सारे बच्चों में ये होता है। अगर आपके पीयर ग्रुप कॉम्पिटिटिव है तो आपकी जो डेवलपमेंट होगी एज अ पर्सन एंड एज अ डेवलपर वो बहुत ऊपर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि मेजर केसेस में लो प्लेसमेंट होती है ड्यू टू लेस हार्ड वर्क। तो जो भी एक ऑनलाइन डिग्री ले रहा है, ज़्यादातर केसेस में बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन डिग्री में, उतनी मेहनत नहीं करते। होते हैं कि कई बच्चे तो बैक भी ले आते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पर आपको हार्डवर्क जो होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम चली जाती हैं। मेजर केसेस में आपको लेस प्लेसमेंट्स देखने को मिलती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर प्लेसमेंट ही नहीं लेना चाहते, वो एक तरीके से जो भी वो लो अर्निंग्स कर रहे हैं उसमें कम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरी तरफ से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि नॉट मूविंग टू अदर सिटीज़ एंड नो न्यू लाइफ स्किल्स। अगर आप किसी और सिटी में जाते हो कोई जॉब करने के लिए या फिर कोई भी डिग्री करने के लिए, तो यार वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्किल्स सीखते हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों से कांटेक्ट में आते हो, काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखते हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब कुछ एज अ पर्सन आप इम्प्रूव होते हो, एज अ पर्सन आप ग्रो होते हो, तो जो कि एक ऑनलाइन डिग्री में नहीं होगा। आप घर ही बैठे रहोगे, आप अपने वही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठे रहोगे, कोई आपको मुश्किलें नहीं आएगी, तो आपका दिमाग उस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाता। ये मेरा मेजर इशू है वर्क फ्रॉम होम से भी और एक ऑनलाइन डिग्री से भी जो कि यहाँ पे नहीं इंक्लूड करा। तो आई होप यार आज की इस छोटी सी प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो में ऑनलाइन डिग्री में आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या मेजर बेनिफिट्स हैं और क्या क्या मेजर ड्रॉबैक्स हैं। तो यही आपको सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रखते हुए एक ऑनलाइन डिग्री चूज़ करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अमेजिंग कॉन्टेंट आने वाला है। इसके अलावा जो भी प्रोज एंड कॉन्स में उन्हें कोई भी पॉइंट मिस कर दियो, आपको लगता है कि ये पॉइंट ऐड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक्डइन आईडी का एक लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।